हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश। वेलकम टू द आरकेएम स्टडी कॉर्नर। गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। देखिए, पहला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है वन हु लाइक सीटिंग अ लॉट, जो ज़्यादा खाना पसंद करता हो। तो ऐसे पर्सन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, GOURMET, गवर्नमेंट। वन हु लाइक्स और नोज अबाउट गुड फूड, जो अच्छे खाने में रुचि रखता हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिस जो अच्छा खाना, टेस्टी खाना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फूड खाने का शौकीन होते हैं, तो इसके लिए हम लोग गॉरमेट बोलेंगे। नेक्स्ट है ग्रेसियस। ग्रेसियस मतलब होता है कॉटियस, काइंड एंड प्लेजेंट, शिष्ट एवं अनुकूल। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैमिनी वोरस, फिटिंग ऑन ग्रास, घास खाकर जिंदा रहने वाला। ऐसा मतलब लिविंग थिंग्स जो घास खाकर जिंदा रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रैमिनी वोरस। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है ग्रैनरी। ग्रैनरी मतलब होता है स्टोर हाउस फॉर थ्रेसेड ग्रेन, अनाज भंडार। ठीक है, जहाँ पे अनाज को स्टोर करते हैं, अनाज रखते हैं, अनाज भंडार होता है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रैनरी। जो नेक्स्ट वर्ड है वह ग्रैटिस, GRATIS, ग्रैटिस, विदाउट पेमेंट, बिना भुगतान के। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको हम लोग करते हैं तो पेमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सर्विस भी होते हैं जिनके लिए फी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे ग्रैटिस। तो ऐसे वर्ड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ऐसे सेंटेंस के लिए ग्रैटिस। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैचुटी। ग्रैचुटी मतलब होता है सम ऑफ मनी पेड टू एन एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, मतलब सेवा निर्मित होने पर मिलने वाला। देखिए, रिटायरमेंट के बाद कुछ पेमेंट मिलता है, तो उसको हम लोग ग्रैचुटी बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्रेव, GRABE। ग्रेव मतलब होता है ब्यूरियल फॉर द डेड, सीरियस और सोलेमन इन एफियरेंस। ठीक है, मतलब कर्ब, कब्र या गंभीर। ठीक है, उसके बाद है ग्रेगेरियस, मतलब ऑफ एनिमल्स विच लाइव इन फ्लोक्स या हर्ड्स, मतलब जानवर जो समूह में रहते हैं। बहुत ऐसे जानवर होते हैं जो समूह में रहते हैं, जैसे हिरन ले लीजिए, कई बार आप देखे होंगे, हाथियों का भी झुंड देखे होंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेगेरियस। ठीक है, देखिए OUS और जिसमें लग जाता है वो एडजेक्टिव होता है गाइस। ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने का एक तरीका है, रूट वर्ड के थ्रू भी आप पहचान सकते हैं। उसके बाद है ग्लीवल। ग्लीवल का मतलब होता है वन हु इज ईजली डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, तो ऐसे पर्सन के लिए बोलेंगे ग्लीवल। जो नेक्स्ट है GUST, गस्ट। गस्ट का मतलब रस ऑफ एयर, रेन, स्मॉक, इटीसी, कैरिड बाई विंड। देखिए, बहुत बार आप देखे होंगे तेज हवा का झोंका आता है और बहुत सारे मतलब पानी, हवा और स्मॉक, ये सब कैरी करके ले आता है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे गस्ट। नेक्स्ट वर्ड है GUST। नेक्स्ट वर्ड है HAG, हैग। हैग मतलब होता है एन अगली वोमेन। ठीक है, क्रूप स्त्री, जो स्त्री अच्छी नहीं दिखती है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्रूप। उसके बाद है हैगार्ड। हैगार्ड मतलब होता है लुकिंग एक्सहॉस्टेड एंड अनवेल, स्पेशली फ्रॉम फैटीग, वरी और सफरिंग। मतलब कोई बीमार हो जाता है पर्सन, तो उसके चेहरा थोड़ा डल दिखने लगता है, ठीक है, अनवेल दिखने लगता है, तो उसके लिए हम लोग हैगार्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद है हॉलुसिनेशंस। हॉलुसिनेशंस का मतलब होता है सीइंग समथिंग दैट इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट्स। ठीक है, seeing something that is not actually present, दृष्टि भ्रम, मतलब कुछ ऐसा देखना जो कि एक्चुअल में है नहीं, मतलब एक भ्रम टाइप का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे hallucinations। उसके बाद है hallucinogen, मतलब a drug that causes hallucination, ऐसी दवाई जो भ्रम की स्थिति पैदा कर दे। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जिनको खाने के बाद आपको ऐसा लगे कि आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, तो ऐसे जो मेडिसिन होता है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे हॉलीशिनेजन। उसके बाद है हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस, घरों का छोटा समूह। गाइस, गांव में या फिर कहीं भी बहुत ऐसे प्लेस में देखे होंगे जहाँ पे कुछ गिने चुने ही घर होते हैं, ठीक है, तो एक छोटे टाइप का जो गांव होता है, उसके लिए हम लोग हैमलेट यूज़ करेंगे ऐसे ऐसे स्थान के लिए। फिर है हैंडीवर्क, समथिंग दैट वन हैज़ डन, किसी का काम किया हुआ, किसी का किया हुआ काम, जो काम ऑलरेडी कोई कर दिया वो हैंडीवर्क कहलाता है। तो ठीक है, कोई पर्सन ऑलरेडी किसी काम को कर दिया है तो वो काम आपके लिए हैंडीवर्क होगा, आप उसको बोल सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि इंग्लिश के वोकैब सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे खासे दो या तीन क्वेश्चन इसमें रहते हैं, चाहे वो SSC के CGL हो या MTS या CHSL। तो इस पर देखिए, वोकैब सेक्शन आपका स्ट्रांग होगा तो इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा इस, ठीक है, तो इस पर वर्क कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए आप अच्छे से, ठीक है।
ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। अगर इस पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी बनाए हैं और मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा गाइस, ठीक है। देखिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको टाइम पे क्या होगा कि वीडियो मिलेगा, आप मेरे चैनल से जुड़ पाइएगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। चैनल सब सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक बेल आइकन होता है, बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए दबाइए, ठीक है। उसको क्या उससे ऐसा क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम पे, ठीक है। और वीडियोस देखने के लिए रियली थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, आप क्वेश्चन को कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।